हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एच डैश फोर अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा यहां और ट्रिक से सॉल्व करूंगा। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो लगभग लगभग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, इफ द टाइम इन अ क्लॉक बी 3:20, देन व्हाट इज द टाइम इन इट्स मिरर इमेज। तो फ्रेंड्स, इसको मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है कि यदि एक घड़ी में 3:20 हो रहा है तो उसका मिरर इमेज, मतलब दर्पण में देखेंगे या शीशे में उसको देखेंगे तो उस समय क्या बज रहा होगा टाइम। ऑप्शंस है 6:40, 7:40, 8:40 एंड 5:40। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हो, घड़ी बनाने लगते हैं। तो इसमें आपको घड़ी नहीं बनाने का है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि जो टाइम है यहाँ देखिए 3:20 हो रहा है, तो इसमें हम क्या करें कि ये 12 बज जाए, इस तरह से इसमें क्या ऐड कर दे कि ये 12 बजे। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये, या ऐसे कर लीजिए 12 बजे में से ये टाइम माइनस कर दीजिए। तो ये देखिए, जैसे 12 बजे है तो उसको हम 11:60 लिख लेते हैं। 12 बजे को 11:60 लिख लेंगे तो माइनस करने में सही रहेगा। ये 12 बजे ही है, 12 बजे इक्वल टू 11:60 हो जाएगा। अब 11:60 में से 3:20 माइनस कर दीजिए, 3:20 माइनस कर देंगे तो ये देखिए 0 में से 0 गया, 6 में से 2 गया 4, और 11 में से 3 गया 8, तो इसलिए आंसर 8:40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जो इसमें ऐड करने पर 12 बज जाएगा। जैसे 3:20 है तो 3:20 में 6:40 ऐड करने पर क्या 12 बजेगा, क्या नहीं? 7:40 ऐड करने पर 12 बजेगा, नहीं बजेगा। 8:40 ऐड करने पर 12 बज जाएगा, ये देखिए, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये समझ में आ गया होगा, शॉर्ट ट्रिक्स है। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया कि यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर तरह के एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रीजनिंग के आते ही आते हैं इस टाइप के। तो अब ऐसा समय आएगा इस तरह का क्वेश्चन है तो उसमें आपको घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप इज सिटिंग इन 9th प्लेस फ्रॉम फर्स्ट एंड and sitting in 11th place from second end, then how many persons are there in that row? तो फ्रेंड्स, इसको हिंदी में पढ़ देता हूं मैं। कह रहा है कि प्रताप अगर किसी पंक्ति में एक तरफ से 9वें पोजीशन पर है और दूसरे तरफ से 11वें पोजीशन पर है तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, उस पंक्ति में या उस रो में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स है इसका। यहां पर देखिए, जो पोजीशन दिया हुआ है, ये पोजीशन और ये, इन दोनों को ऐड कर देना है आपको, 11 11 प्लस 9 कर देना है और -1 कर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 प्लस 9 20 20 माइनस 1। तो उस पंक्ति में टोटल 19 पर्सन है या 19 लोग हैं, 19 व्यक्ति हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए और उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के और भी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।